Hello dear students, today for class plus 2 economics and national income, we will discuss the expenditure method, which is the third and last method for the calculation of national income. Now let us discuss its components. The very first component is, ya pehle isko chaliye ek overview mein dekhte hain kya hai. Hum kehte hain to calculate GDP MP. From this method, we use this formula or equation C plus I plus G plus X minus M. Right? अब इन components को discuss करते हैं क्या है? The very first is C, which means private, final, consumption, expenditure. This is denoted by C. तो जो भी households खर्चा कर रहे हैं अपने goods या services के ऊपर अपनी satisfaction of wants के लिए, उसको हम include करेंगे private final consumption expenditure में. तो हम इसमें include करेंगे single use consumer goods, durable goods, consumer services plus इसके अंदर जो add होगा वो क्या होगा, जो एक्सपेंस नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने किया हु आर सर्विंग द सोसाइटी. राइट, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी कंपोनेंट, फिर हम आएंगे आई पे. जी हियर स्टैंड्स फॉर, हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, पर हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. राइट, अब थर्ड कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे आई. अब आई क्या है, आई इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. अब आपको यहां पे बेटा एक चीज का ध्यान देना है कि गवर्नमेंट जो है वो सी और आई दोनों एक्सपेंसेस करती है. तो गवर्नमेंट मेक्स सी प्लस आई बोथ द kind of both kinds of expenditure. ठीक है जी, तो अब आई को हम और क्या बोलते हैं, लिखिए और, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अब इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के आगे हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं. The very first comes gross domestic fixed capital formation. तो यानी कि हमने investment या capital formation का पहला part बनाया fixed. Second part हमारे पास क्या आएगा, you know it, inventory investment या change in stock. So second comes inventory investment or change in stock. Third component हमारे पास आएगा net acquisition of valuables. Example, investment in gold, silver, ornaments and metals. Getting my point? ठीक है, इसको हम पहले ज्यादा use किया करते थे, लेकिन अब कई बार से हमारे examination में ये नहीं आया है, तो कई ऑथर्स ने इसको एक्सक्लूड भी किया है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. राइट, अब जो हमारा ए पार्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जो हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. अब ये जो फिक्स्ड वाला कंपोनेंट है इसके अंडर हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला बेटा हमारे पास इसमें आएगा एक्सपेंडिचर ऑन बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. सेकंड आएगा एक्सपेंडिचर ऑन रेजिडेंशियल
हाउसेस। थर्ड आएगा बेटे पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। अगर इन्वेंटरी की बात करेंगे या चेंज इन स्टॉक की, तो यहां आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये चीज भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है जी। अब हमारे पास ये फोर्थ एक्स माइनस एम आ गया, लास्ट कंपोनेंट, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो इसको हम बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। अभी जो नेट एक्सपोर्ट्स है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो सी आई और जी तीनों चीजों का हो रहा है, सी आई और जी तीनों चीजों का हो रहा है। सेकंड, आपको ध्यान देना है जब हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं या कंजम्पशन की, तो प्राइवेट फाइनल जो हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है, इसमें ऑब्वियसली हाउस होल्ड तो आएंगे, लेकिन देर इज एन एक्सेप्शन टू दिस व्हेन जो कंपनीज या फर्म्स हैं वो अपने गेस्ट को सर्व करने के लिए या अटेंड करने के लिए जो खर्चा करते हैं, एग्जाम्पल टी, तो वो भी हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। उसके बाद हम जानते हैं इन सब का टोटल करके हमारे पास आ जाएगा जीडीपीएमपी, और हमें कैसे आगे कन्वर्ट करना है इसको और कैलकुलेट करना है, जानते हैं आप क्या, एनएनपीएफसी। ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।